हेलो एवरीवन, आज मैं आपको गोभी मंचूरियन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सबसे आसान तरीका और कुछ टिप्स आपको बताऊँगी। आप रेसिपी को पूरा देखिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा और 1/2 कप कॉर्नफ्लोर या अरारूट पाउडर ले सकते हैं। नमक स्वादानुसार, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने यहाँ पे लिया है। सबको अच्छे से मिला ले और एक बैटर बना लीजिए, ना पतला ना मोटा। जब भी गोभी चिली या मंचूरियन बनाते हैं, कॉर्नफ्लोर या अरारूट पाउडर जरूर लीजिए। उस पर गोभी क्रिस्पनेस आता है और रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आता है। और उसमें आप अगर बेसन मिला देते हैं तो वो क्रिस्पनेस नहीं आता है चिली या मंचूरियन में। मैंने यहाँ पे गोभी मीडियम साइज का गोभी लिया है। गोभी के पीसेस को बैटर में अच्छे से मिक्स कर लीजिए, 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद उसका बैटर और गोभी को सेट होने के लिए डाल दीजिए और दूसरी जगह पे आप तेल गरम करने के लिए रख दीजिए। जब भी हम लोग मंचूरियन या चिली बनाते हैं तो हमेशा तेल को मध्यम आंच पे ही रखिएगा, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। उससे क्या होता है कि गोभी का जो क्रिस्पीनेस रहता है। दस मिनट के बाद गोभी को मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा गर्म तेल में गोभी को फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो गोभी अच्छे से पकेगा नहीं। ठंडा तेल में फ्राई करने से क्रिस्पनेस नहीं आता है। हमेशा कोशिश करिएगा जब भी आप बैटर बनाते हैं उसमें कॉर्नफ्लोर या अरारूट पाउडर ऐड करिए। ये पहला टिप्स है। सेकेंड टिप्स है कि जब भी हम लोग गोभी को फ्राई करते हैं, हमेशा ऑयल को मीडियम हॉट में ही फ्राई करिए। ना ज़्यादा तेज आँच में आपको फ्राई करना है, ना ज़्यादा लो आँच में आपको फ्राई करना है। यह सेकेंड टिप्स है। आगे मैं बताती हूँ कि गोभी का जो मंचूरियन और ग्रेवी है वो रेस्टोरेंट जैसा कैसा टेस्ट आएगा। वीडियो को पूरा देखिए। गोभी यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी हम लोग उसका मंचूरियन का ग्रेवी बनाएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन बारीक ले लिया है। उसको अच्छे से 2 मिनट तक सोटे करेंगे। अदरक और लहसुन का जो रॉनेस रहता है वो जैसा 2 मिनट सोटे करने से उसका जो कच्चा वाला स्मेल आता है वो गायब हो जाता है। ज़्यादा आपको पकाना नहीं है, नहीं तो जल जाता है। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज का प्याज और 1 कैप्सिकम लिया है, पतला पतला स्लाइसेस में। 2 मिनट तक इसे भी सोटे करिएगा। ज़्यादा पकाना नहीं है। सब्ज़ी अगर ज़्यादा गल जाता है तो फ्लेवर अच्छा नहीं आता है, टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो आप उसको 2 मिनट के लिए ही बस फ्राई करिए। जो उसका कच्चापन रहता है 2 मिनट फ्राई करने में वो निकल जाता है। जब भी चिली या मंचूरियन रेसिपी बनाइएगा, कभी भी सब्ज़ी को ओवर कुक मत करिएगा। हमेशा सब्ज़ी को थोड़ा कच्चा कच्चा टाइप का ही रहने दीजिएगा, नहीं तो पूरा सब्ज़ी गल जाता है। मैंने यहाँ पे शेजवान सॉस, टमाटो केचप, रेड चिली सॉस सब ले लिया है, एक साथ ग्रीन चिली सॉस सब एक साथ ले लिया है। और अच्छे से मिक्स करके डाल लीजिएगा। 2 मिनट तक सॉस को पकाइएगा, जैसे इसका स्मेल थोड़ा आ जाएगा। तो उसमें आप 2 कप मैदा में 1 कटोरा पानी में अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद डाल लीजिएगा, एक स्लरी टाइप का बना लीजिएगा, जो उसका ग्रेवी का जो थिकनेस है ना मोटा ना पतला हो। इसीलिए 2 मिनट बॉयल होने के बाद गोभी जो हमने फ्राई किया था वो सब इस ग्रेवी में डाल देंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 2 मिनट तक इसको भी बॉयल आने तक पकाना है। उसके बाद आपका मंचूरियन रेडी हो जाएगा। आप किसी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। आप फ्राइड राइस के साथ खा सकते हैं या पराठे के साथ खा सकते हैं। मैंने यहाँ पे फ्लेवर के लिए थोड़ा सा धनिया पत्ता स्प्रिंकल किया है। आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, आपको नहीं पसंद हो तो नहीं भी डाल सकते, लेकिन मुझे अच्छा लगता है तो मैंने डाला है। आप इसको एंजॉय करिए और राइस रोटी किसी के साथ भी आप खाइए। आपका रेस्टोरेंट स्टाइल गोभी मंचूरियन रेंड